और भारतीय किसान यूनियन के महासचिव भूपेंद्र सिंह मान ने किसान आंदोलन की दिशा और उद्देश्य पर सवाल उठा दिए। भूपेंद्र सिंह मान की माने तो किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो कि केंद्र सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि किसानों को अगर विरोध करना हो तो केंद्र सरकार का करें, लेकिन सीएम मनोहर लाल का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि अगर सीएम का ही विरोध करना हो तो फिर पंजाब के सीएम, राजस्थान के सीएम का भी विरोध होना चाहिए, अकेले सिर्फ हरियाणा के सीएम का विरोध नहीं होना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय किसान। मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूं कि मेरे किसी भाई ने, अभी किसान नेता ने वीडियो पाई है कि कल सीएम साहब अपने सभी साथियों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं करनाल में। वो पहले भी कई बार आ चुके हैं, हमने उनका विरोध भी किया है और हम करते रहेंगे, लेकिन हमारा मसला है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमें विरोध सेंट्रल गवर्नमेंट का करना चाहिए। जब हमने सीएम का विरोध करना है तो किसान तो राजस्थान में भी हैं, किसान यूपी में भी हैं और पंजाब से आंदोलन चला हुआ है, पंजाब में भी सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उनका भी विरोध करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि खट्टर साहब का क्यों विरोध किया जा रहा है बार बार, इसलिए इस पर विचार विश्रम होना चाहिए कि हमारा मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट से है और सीधा डायरेक्टली हमें केंद्र सरकार से मुकाबला करना चाहिए और वहीं विरोध करना चाहिए। जय किसान।